सुंदरनगर में स्वयंसेवक संघ ने स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सुंदरनगर के जवाहर पार्क में संघ के सभी गणवेश उपस्थित रहे। इस मौके पर जवाहर पार्क से लेकर भोजपुर होते हुए पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए पथ संचालन किया गया। इस मौके पर जिला संघ चालक के एल वर्मा ने अपने विचार रखे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संघ का प्रारंभ दशहरे के दिन सन 1925 में किया गया। नागपुर के एक अपेक्षित से मैदान में 10-12 किशोर बालकों को साथ खेलकूद और व्यायाम करके डॉक्टर साहब ने संघ का प्रारंभ किया। उस समय तक संघ का कोई नाम भी नहीं रखा गया था। संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी बाद में सन 1928 में रखा गया था और तभी डॉक्टर साहब को उनकी सहयोगियों द्वारा संघ का पहला सर संघ चालक नियुक्त किया गया। मात्र 10 से 12 बालकों से प्रारंभ हुआ संघ आज विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है और BBC द्वारा संसार का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बनाया गया है। इस समय भारत भर में 35,000 से अधिक स्थानों पर संघ की दैनिक शाखाएं और 10,000 से अधिक स्थानों पर साप्ताहिक शाखाएं लगती हैं। संघ का मूल स्वरूप दैनिक शाखाओं का है, लेकिन साप्ताहिक शाखाएं ऐसे लोगों के लिए चलाई जाती हैं जो संघ से जुड़ना तो चाहते हैं पर प्रतिदिन नहीं आ सकते। इसी प्रकार कहीं कहीं मासिक एकत्रीकरण भी होते हैं। संघ में आने वालों को स्वयंसेवक कहा जाता है। इसका अर्थ है अपनी ही प्रेरणा से समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाला। संघ की कोई सदस्यता नहीं होती। जैसे दूसरे संगठनों में लोग वार्षिक चंदा देकर पर्ची कटवा कर सदस्य बन जाते हैं, वैसा संघ में नहीं होता। शाखा में आना ही इसकी सदस्यता है। शाखाएं सबके लिए खुली हुई हैं। जो भी व्यक्ति इस देश को प्यार करता है और यहाँ की संस्कृति और महापुरुषों का सम्मान करता है, वे संघ की शाखाओं में आ सकता है। संघ में सभी जातियों के हिंदू और बहुत से मुसलमान ईसाई भी आते हैं, लेकिन संघ में एक दूसरे की जाति पूछना या बताना मना है। इस मौके पर सुंदरनगर के विधायक राकेश चंबाल, ठाकुर रूप सिंह, अभिषेक ठाकुर मुख्य वक्ता प्रताप, मीडिया प्रभारी नंदलाल ठाकुर, दीपक आंगरा, श्यामलाल कश्यप, कृष्ण चंद मोहर सिंह इत्यादि मौजूद रहे। हिमालय की गोद से निकलकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाली सतलुज नदी की महिमा शुरू हो गई है। गंगा की तर्ज पर काशी के प्रकांड विद्वान पंडितों ने लोगों की उपस्थिति में दत्त नगर के समीप नदी तट पर सतलुज आराधना की। सतलुज तट पर जल विद्युत परियोजना का सफल निर्माण कर अस्तित्व में आए केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम SJVN के रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा सतलुज आराधना महत्व को बताया। इससे पूर्व SJVN के प्रबंध निदेशक नंदलाल समेत निगम के उच्च अधिकारियों ने सतलुज नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हम नदियों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर से आश्रित हैं। नदियां देश की धड़कन हैं। सतलुज शिरोमणि पर्वत से निकलकर करोड़ों लोगों का उद्धार करती हैं। कैलाश पर्वत ने हमें सतलुज नदी दी है और सतलुज ने हमें जीवन दिया है। माता पिता और गुरु जिस तरह से पूजनीय है, उसी तरह से नदियों को जीवन दायिनी के रूप में मानते हुए पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों और वेदों में भी इनका वर्णन है। हमें उस अमृत रूपी जल दायिनी नदी सतलुज को भी स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य है, ताकि सतलुज नदी की अहमियत और स्वच्छता को हम सब मिलकर बनाए रख सकें। ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया, साथ ही वाद्य यंत्रों की धुनों पर भी खूब नृत्य किया। नंदलाल ने बताया कि सतलुज नदी हर सबके लिए जीवनदायिनी के समान है। आयोजन के दौरान निदेशक गीता कपूर, GN रामपुर सुरेश ठाकुर, GM जाकड़ी संजीव सू, GM लुही परियोजना RL नेगी व अन्य अधिकारी कर्मचारी, पंचायत प्रधान व ग्रामीण मौजूद रहे।